अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद वकास और आपको हम फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। तो चैप्टर का टाइटल है डायनामिक्स। आप लोगों ने चैप्टर 1 में ब्रांचेस पढ़ी थी फिज़िक्स की, तो उन फिज़िक्स ब्रांचेस में सबसे पहली जो ब्रांच है वो आपने पढ़ी थी डायनामिक मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के बारे में आपको अब बताते हैं कि आपने पढ़ा था कि मैकेनिक्स जो है बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन। तो वो जो स्टडी ऑफ मोशन है उसकी तरफ आते हैं। अब जो मैकेनिक्स है ना, इसकी फर्दर दो हमारे पास ब्रांचेस हैं। एक को हमने काइनेमेटिक्स कहा हुआ विच इज़ चैप्टर नंबर 2, और एक हमने कहा हुआ डायनेमिक्स विच इज़ चैप्टर नंबर 3। अब यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है मैं उसको आपके लिए बोल्ड हाईलाइट भी कर रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ। तो ये मेंशन है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द कॉज ऑफ इट्स मोशन। ऐसी ब्रांच मैकेनिक्स की जो कि जिसमें हम डिस्कस किया करते हैं मोशन को, और एट द सेम टाइम हम डिस्कस करते हैं उसके कॉज को भी। उसका कॉज लाजमी हम डिस्कस किया करते हैं कि एक्चुअली अगर वो बॉडी मूव कर रही है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। तो ऐसी ब्रांच मैकेनिक्स की जिसमें हम स्टडी ऑफ मोशन तो करते हैं बट एट द सेम टाइम कॉज ऑफ मोशन को भी डिस्कस किया जाता है। इस तरह की मोशन को, इस तरह की ब्रांच को हम डायनामिक्स कहा करते हैं। तो दिस वन इज़ द डेफिनेशन ऑफ द टाइटल। आपको दो तीन डायग्राम्स दिखाई जा रही हैं। बेसिकली इसमें सबसे पहले जो डायग्राम बताई जा रही है कि एक बैट्समैन जो है ये एक बॉल को पुश कर फोर्स लगा रहा है। बेसिकली एक पर्सन है वो दीवार को पुश करने की कोशिश कर रहा है। थर्ड डायग्राम में जो गोलकीपर है वो एक बॉल को रोकने की कोशिश कर रहा है, फुटबॉल को। तो एक्चुअली दीज आर दी डेफिनेटली एग्जांपल्स जिसमें हम फोर्स जो लग रही है किसी बॉडी पर, मोशन बेसिकली उसकी कॉज को भी डिस्कस किया करेंगे। तो चंद एक डेफिनेशंस हैं शॉर्ट टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स है, इनर्शिया है एंड मोमेंटम है। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे कि आप सबसे पहले फोर्स के बारे में क्या बयान कर सकते हैं कि फोर्स जो है एक्चुअली जब आप किसी दरवाज़े को ओपन करते हो या तो उसको पुश करना पड़ता है या पुल करना पड़ता है, तो पुश और पुल दरअसल फोर्स है। अब एक पर्सन है वो एक डायग्राम ये भी है दिस वन। अब ये जो फूड वेंडर है डेफिनेटली ये भी अपनी जो व्हीकल है, व्हीकल ही कहेंगे इसको, इसकी इसकी जो रेडी है कार्ट है, इस पर इसको भी पुश करता है, इसको फिर मूव करता है। तो पता ही लगा जब आप किसी बॉडी को पुश या पुल करते हो डेफिनेटली वो मूव करती है, उस पर फोर्स एग्जर्ट होती है। तो फोर्स के लगाने से आप किसी भी बॉडी को मूव करवा सकते हो, एट द सेम टाइम उसको स्टॉप भी करवा सकते हो। अब जो वेंडर की मैंने आपसे एग्जाम बात की उसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे, आप वो वेंडर जो है वो फोर्स लगा के पुश करके अपने कार्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, स्पीड को भी मेंटेन कर सकता है वगैरह वगैरह। बैट्समैन जो है, बॉलर उसको बॉल करता है, बैट्समैन अपने बैट की मदद से उस बॉल की डायरेक्शन चेंज कर देता है, स्पीड बदल देता है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फोर्स जो है वो बॉडीज़ को मूव भी करे, फोर्स बॉडीज़ को स्टॉप भी करवा सकती है। जैसे डायग्राम नंबर 3.4 है, गोलकीपर बॉल को रोक रहा है, लेकिन डायग्राम नंबर 3.3
इसमें एक बंदा जो है वो वॉल को पुश कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, क्या वॉल मूव कर सकती है उससे? नो, नहीं कर सकती। हाँ, अगर कमज़ोर वॉल होगी तो फिर डेफिनेटली कर भी सकती है। तो ये डेफिनेशन के बारे में सुनिएगा इसकी। तो डेफिनेशन हमारे पास है, अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव। फोर्स मूव करती है, मूव करने की कोशिश करती है, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप, रोकती है, ये रोकने की कोशिश करती है ऑफ अ बॉडी। तो पता ये लगा, फोर्स किसी रेस्ट वाली बॉडी को मूव भी करवा सकती है और मूव करती हुई बॉडी को स्टॉप भी करवा सकती है। फोर्स किसी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, किसी बॉडी की शेप को भी चेंज कर सकती है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस अ बैलून? बैलून पे भी तो फोर्स लगा रहे, क्या हुआ? अब के पास नाइफ है एक और आप एप्पल काट रहे हो, क्या होता है? एप्पल की पहले शेप कुछ और होती है, बाद में कुछ और शेप हो जाती है। तो पता ही लगा, फोर्स सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं बल्कि शेप और साइज़ को भी चेंज कर देती है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट बात है ये। इनर्शिया, अब इनर्शिया के बारे में इंटरेस्टिंग बात आपको पता होनी चाहिए कि इनर्शिया किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ी सी बात ऑब्ज़र्व करें तो क्या, गैलीलियो ने एक बड़ी सिंपल सी एक्सपेरिमेंट किया। गैलीलियो ने बहुत ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट किया एक। उसने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसने कहा कि जी, अभी कॉमन सेंस की बात थी कि जो लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना हल्के, उनको मूव करना या स्टॉप करना एज़ कम्पेयर टू हैवियर वंस मुश्किल भी है। देखे ना, आप लाइट बॉडी को बड़ी आसानी से मूव भी करवा सकते हो, स्टॉप भी करवा सकते हो। कैसे? आपके पास एक छोटा सा स्टोन है, पेन है, लाइट है, हल्का है, आप उसको मूव करवा सकते हो आसानी से। कोई आपकी तरफ फेंके तो आप उसे रोक भी सकते हो। इट इज़ वेरी इजी टू स्टॉप और मूव द लाइटर ऑब्जेक्ट्स। हैवी कोई पत्थर आपकी तरफ, बड़ा पत्थर फेंके, ईंट फेंके, तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी टफ फॉर यू कि आप उसे स्टॉप कर सकें। ओके, तो हैवियर ऑब्जेक्ट्स आर डिफ़िकल्ट टू मूव और इफ़ मूविंग द डिफ़िकल्ट स्टॉप। तो जितने भी हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, पहली बात तो ये कि उनको उन्हें मूव करवाना मुश्किल है। जब एक दफ़ा मूव कर रहे हो तो उन्हें स्टॉप करना मुश्किल है। न्यूटन कंक्लूडेड दैट एवरी बॉडी रिजिस्ट टू द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कॉल्ड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एज इनर्शिया। ही रिलेटेड इनर्शिया ऑफ अ बॉडी विद इट्स मैस। ग्रेटर इज़ द मैस ऑफ अ बॉडी, ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया। इनर्शिया को हम मोस्टली मैस से रिलेट किया करते हैं। पिंक बॉक्स में डेफिनेशन भी मैंशन है। इनर्शिया किसी भी मटीरियल की प्रॉपर्टी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट कैन रिजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफेंडिंग इट सेल्फ, अपनी स्टेट को डिफेंड करना, चाहे वो रेस्ट पे हो, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में हो, पर होनी स्ट्रेट लाइन में चाहिए, हम उसको इनर्शिया कहा करते हैं। एक्सपेरिमेंट है, इसको आप खुद पढ़िएगा, आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। मोमेंटम, अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात शो होगी यहाँ पे। वो ये है कि जो दो एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बुलेट अगर इसको फायर किया जाए, बड़ा काम है ऐसा उसका, गोली का, क्या कोई रोक सकता है उसे? कोई आगे सामने कहे जी मैं रोक सकता हूँ उसे, हाँ जी मैं रोक सकता हूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कितना स्मॉल मैस है, पर जब ये किसी बॉडी के साथ हिट करेगी, इसका इम्पैक्ट ख़तरनाक होगा, बहुत ख़तरनाक होगा, क्योंकि उसका मैस तो बहुत कम है, एट द सेम टाइम उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। अगर हम दूसरी एग्जांपल की बात करें, लोडेड ट्रक, हैवीली लोडेड ट्रक है, अगरचे उसकी स्पीड बहुत कम होगी, पर जब वो किसी बॉडी के साथ टकराएगा विद लो स्पीड, क्योंकि मैस उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए इम्पैक्ट उसका भी ख़तरनाक होगा। तो मैस और वेलोसिटी के कम्बिनेशन से एक नई टर्म वजूद में आती है, दैट टर्म इज़ कॉल्ड मोमेंटम।
किसी भी बॉडी का मैस और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम मोमेंटम कहते हैं। तो दोनों की बात कर रहे हैं हम, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम मोमेंटम कहेंगे जिसमें मैस और वेलोसिटी को इंक्लूड किया जाएगा। मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोल्ड होना चाहिए क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला मेंशन है, मैस इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी के ऊपर बी एरो हेड होना चाहिए, मींस बोल्ड होना चाहिए। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके एसआई यूनिट आपके सामने मेंशन है, मैस के किलोग्राम होते हैं और जो वेलोसिटी है उसके मीटर पर सेकंड होते हैं। इसके एक और यूनिट होते हैं न्यूटन सेकंड, याद रखिएगा न्यूटन सेकंड भी इसी के यूनिट होते हैं। तो इन टॉपिक्स में हमारे पास जो आइडिया हुआ चंद एक टर्म्स का था। अभी डे हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक इसी में है वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यूटन ने तीन लॉज प्रेजेंट किए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आइए सबसे पहले हम न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूटन जो जो फर्स्ट लॉ है बेसिकली बड़ा एक फंडामेंटल लॉ है। उसने कहा कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पर होगी तो उसे रेस्ट पर रहना चाहिए, और कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते रहना चाहिए। अगर उस पर किसी तरह की कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स ना लगे। ओके, मैं आपको इसकी एग्जांपल कुछ समझा रहा हूँ। इट इज़ मेंशन हेयर, फर्स्ट पैराग्राफ की आखिरी लाइन पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल रिमेन्स एट रेस्ट एज लॉन्ग एज नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। एक किताब है, बुक है, वो टेबल पे पड़ी हुई है, वो ता कयामत पड़ी रहेगी अगर उसे कोई छेड़ेगा नहीं, उठाएगा नहीं, मतलब उस पर फोर्स कोई नहीं लगाएगा। बिल्कुल इस तरह से अगली बात सुनिएगा, ये तो मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करने लगे हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप मूविंग बाय इट्सेल्फ, अपने आप तो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं रुकेगा ना जब तक उस पर कोई ब्रेक्स ना लगाइए। अ बॉल रोल्ड ऑन अ रफ ग्राउंड स्टॉप्स अर्लियर देन द रोल्ड ऑन स्मूथ ग्राउंड। अब नोट करेंगे एक रफ ग्राउंड पे बॉल को फेंका गया है वो जल्दी रुक जाएगी एज कम्पेयर टू स्मूथ ग्राउंड, उस पर बहुत दूर तक वजह उसको अपोज करने वाली रोकने वाली फोर्स नहीं है स्मूथ ग्राउंड पे। इट इज़ बिकॉज रफ सर्फेस ऑफ अ ग्रेटर फ्रिक्शन। तो जो रफ सर्फेसिस हैं उसकी फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, इस वजह से वो बॉल जल्दी स्टॉप हो जाएगी, और अगर कोई फोर्स ना हो अपोज करने वाली तो फिर बॉडी ता कयामत मूव ही करती रहेगी। इसलिए स्टेटमेंट है, अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडिंग नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अब नेट फोर्स किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन लाजमी पड़ेगा इन दी येलो बॉक्स। नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अब हमारे पास न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि ये इनर्शियल प्रॉपर्टीज से डील करता है। तो अगर आपसे कोई कहे व्हाट इज़ या स्टेट लॉ ऑफ इनर्शिया, तो आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ ही की स्टेटमेंट लिखनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आखिर में इसके बारे में जो लिखा हुआ है बहुत इम्पोर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व दैट द पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस फॉल टूवर्ड व्हेन ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक। आपने नोट किया होगा, आपने अगर बैठे हुए हैं सडनली अगर कोई ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो आपका जो बॉडी है उसका जो अपर पार्ट है वो आगे की तरफ गिरता है। क्यों होता है ऐसा अपर पार्ट, क्योंकि हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट है उसका मैस ज़्यादा है, और मैस जिसका ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इट इज़ बिकॉज अपर पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज टेंड टू कंटिन्यू देयर मोशन व्हाइल लोअर पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज इन कॉन्टैक्ट विद द बस स्टॉप विद इट, हेंस दे फॉल फॉरवर्ड। लोअर पार्ट जो होता है वो स्टेबिलिटी की तरफ होता है, जबकि अपर पार्ट में इनर्शिया ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमेशा जब भी ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस टॉपिक।
अल्लाह हाफिज़।